वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको खैर आफियत से रखे अपने अपने घरों में, अपने हिफ्ज़ ईमान में। आमीन सुमा आमीन। चलिए इसी दुआ के साथ करते हैं अपनी वीडियो शुरू। वीडियो में मैं बनाऊंगी आज स्टीम रोस्ट, चिकन स्टीम रोस्ट। मज़ेदार सा बनाएंगे, क्विकली क्विकली बनेगा, जल्दी जल्दी से। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे ले लिए दो चिकन लेग पीस है मेरे पास, हम इसको लगाएंगे कट्स। अच्छे से डीप कट लगाएंगे ताकि जब हम इसमें मसाला लगाएं तो इसमें मसाला अच्छे से जाए। कट्स लगा लिए चिकन को। हम इसमें शामिल करेंगे विनेगर। मेरे पास हाफ कप विनेगर का है, हाफ कप विनेगर डाला है मैंने इसमें। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी सॉल्ट का, और हम इसको अच्छे से विनेगर और सॉल्ट के साथ कुछ टाइम के लिए रख देंगे ताकि इसमें ये सॉल्ट और विनेगर का टेस्ट भी आए और उसमें एक्स्ट्रा ब्लड और ये सारा क्लीन हो जाए। मैंने चिकन वॉश करके रखा है, हम दोबारा इसे इसकी मैरिनेशन में जब डालेंगे तो इसको बिल्कुल भी वॉश नहीं करेंगे। चले इसको रख देते हैं 15 मिनट के लिए और फिर हम अपनी मैरिनेशन का स्टेप स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी प्रॉपरली। मैरिनेशन बनाएंगे इसकी। हमने यहाँ पे ले लिया बॉल, इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून गाढ़ा वाला योगर्ट। गाढ़ा गाढ़ा योगर्ट है मेरे पास, इसको मिक्स करूंगी, मिक्स करूंगी इसको अच्छे से। चलो हमारे पास है यहाँ पे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, ये शामिल करूंगी। मेरे पास यहाँ पे 1 टेबलस्पून रेड चिली शामिल करूंगी। ये मेरे पास टिक्का मसाला टीस्पून, छोटा वाला टीस्पून। 2 लेमन जूस ये शामिल करेंगे। पिसा गरम मसाला टीस्पून। ये मेरे पास चाट मसाला टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च मेरे पास 1 टेबलस्पून है। अच्छी सी मैरिनेशन बनाएंगे इसकी, गाढ़ी सी और बहुत अच्छी सी। चलिए इसमें चिकन को, चिकन का कलर देखिए चेंज हो गया, वो जो हमने सॉल्ट और इसको विनेगर लगा के रखा था बिल्कुल इसमें से एक्स्ट्रा ब्लड निकल गया है और ये बहुत अच्छे से हो गया। इसको अब हम इस मसाले में अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं, अच्छे से कोट करेंगे इसके ऊपर, अच्छे से मसाला लग जाना चाहिए। अच्छे से इसके अंदर, इन कट्स के अंदर भी जाना चाहिए, अच्छी तरह से लगा लें ताकि ये कट्स के अंदर भी चला जाए। देखें मसाला अच्छे से इन कट्स में जाएगा और सारे चिकन में जाएगा तभी ये बहुत अच्छे से कुक होगा। चलो चूल्हा ऑन है मेरा, चूल्हा ऑन है, बिल्कुल भी हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना। चिकन रखेंगे इसको हम इसमें स्टीम करेंगे। हमारे पास जितनी भी ये मैरिनेशन है ये सारी की सारी हम इस चिकन के ऊपर डालेंगे। ये योगर्ट और ये सारा मसाला खुद ही से पानी रिलीज करेगा और ये स्टीम में बहुत अच्छे से 20 मिनट के लिए मैं इसको कुक करूंगी। 20 मिनट के बाद फिर इसकी सिचुएशन देखते हैं हम। व्यूअर्स हम चिकन को देख लेते हैं, 10 मिनट्स हो गए और ये देखें इसमें बिल्कुल भी हमने पानी नहीं डाला था और ये एक तरफ से बहुत अच्छे से कुक हो गया। इसको हम चेंज कर देते हैं इसकी साइड को ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए। ये 10 मिनट्स देंगे इसको, इस तरफ से भी कुक हो जाएगा, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। मैं करती हूँ इसको कवर, 10 मिनट्स के बाद फिर मिलते हैं।
देख लेते हैं अपने स्टीम रोस्ट को, ये देखिए कितने अच्छे से कुक हो रहा है, देखिए बहुत अच्छे से स्टीम हो रहा है। 20 मिनट्स हो गए इसे मुझे स्टीम करते हुए, बस 5 मिनट के लिए मैं और इसको स्टीम करूंगी ताकि ये अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये चिकन बड़ा था। और इसके बाद मैं ऑयल डालूंगी पैन में और हम इसको करेंगे फ्राई। व्यूअर्स हम डाल लेते हैं, मैंने पैन में ऑयल डाले और ये देखिए हमारा चिकन, इसको हम अब करेंगे ऑयल में रोस्ट। स्टीम में तो ये पक चुके हैं, अब ये ऑयल में अच्छा सा रोस्ट होगा। जो मैरिनेशन हमारे पास बच गई है वो भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं ताकि ये अच्छी सी रोस्ट हो जाएगी साथ ही। अब हम इसे कवर नहीं करेंगे, बस कलर आने तक इसको गोल्डन करेंगे 5 मिनट से एक तरफ और फिर 5 मिनट इसकी साइड बदल के दूसरी तरफ। देखिए हमारा चिकन रोस्ट स्टीम में पक के या ऑयल में पक के डन हो चुका है। इसे मैं निकालती हूँ प्लेट में और फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। चलिए व्यूअर्स देखिए हमारा मजेदार सा चिकन स्टीम रोस्ट बन के रेडी हो गया। मैंने सैलड बनाया, चटनी बनाई, साथ में मेरे पास केचप है और रोस्ट हमारा बहुत मज़ेदार स्पाइसी सा बना है। मैंने टेस्ट किया, आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए यहाँ मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।